आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। हमारी खास पेशकश में आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि वाह क्या पहल है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पिछले कुछ सालों में लोगों को रोड सुरक्षा और सड़कों पर दो पहिया वाहनों से यात्रा के दौरान हेलमेट नहीं पहनने के खतरों को लेकर आगाह करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जगह जगह जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रहे हैं और हेलमेट नहीं पहनने के कारण होने वाले खतरों को लेकर उन्हें आगाह कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सड़क पर बिना हेलमेट के स्कूटर से यात्रा करने वाली एक महिला यात्री को आईना दिखाया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी स्कूटर पर पीछे बैठी महिला को आईना दिखाते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है। महिला व्यस्त सड़क से गुजर रही है। हालांकि स्कूटर चलाने वाले ने तो हेलमेट पहन रखा है, पर पीछे बैठी महिला ने हेलमेट नहीं पहना है, जिसे जागरूक करने के लिए पुलिसकर्मी ने उन्हें आईना दिखाया। वीडियो में पुलिसकर्मी खुद हेलमेट पहने नजर आ रहे हैं। वह स्कूटर पर बिना हेलमेट के पीछे बैठी महिला को आईना दिखाते हैं। इसके बाद एक एक कर महिला के सामने प्लेकार्ड्स उलटते हैं, जिसमें हेलमेट नहीं पहनने से जुड़े खतरों को लेकर आगाह करने वाले संदेश लिखे हैं। ऐसे ही एक संदेश में लिखा है, आईना झूठ नहीं बोलता, मेरा हेलमेट मेरी सुरक्षा, आपकी क्या राय है? हमेशा ISI मार्क वाले हेलमेट पहने, ऐसा ही लिखा है इन प्लेकार्ड्स पर। दिल्ली पुलिस की इस पहल की सोशल मीडिया पर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए जो नया तरीका अपनाया है वह अच्छा लगा। एक अन्य यूजर ने लिखा है, लोगों को उनके सुरक्षा के बारे में जागरूक करने का बढ़िया तरीका है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सैल्यूट है।